सभी साथियों और राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में रेडियो संबर की भर्ती के बारे में, जिसके आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, इसके रिजल्ट डेट के बारे में एक अपडेट निकल के आ रही है। रिसेंटली एक नोटिस जारी किया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, उसी के संबंध में आप सभी को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो जो भी बच्चे इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई जिसका अच्छा लग रहा है उसका जाके देखो। अब बहुत सारे लोगों को तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और कुछ लोग तो इतने एहसान फरामोश टाइप के हैं जैसे, लेकिन उनके लिए कुछ कहना बेकार है, क्योंकि वो उस टाइप के लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी ये बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो ऐसे लोगों का तो फिर कहना ही क्या कि जब आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा था, तब तब मैंने आप सभी को एकदम रियल और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी दिक्कत है, और उनकी दिक्कत का कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में वैसे तो उनसे कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज तो कर ही सकते हैं, तो उनका वही काम है। लेकिन जो भी जानकारी आप क्रॉस करके देखना, तब आपको पता चलेगी कि मेरी जानकारी सही रहती है या गलत रहती है, उसके बाद आप बोले तो ज्यादा बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप सभी को बता दें, इससे पहले मैं एक और चीज आप सभी को बता दूं कि लास्ट 7 दिन पहले लगभग मैंने आप सभी के लिए जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की आई थी, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी, और उसी दिन मैंने आप सभी को फिजिकल डेट के बारे में बताया था कि लगभग DPPST तब तक जाके आपका होगा, और लगभग आपके रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-12 दिन पहले आपका रिजल्ट लगभग ये अनाउंस करेंगे। तो मैंने आप सभी को एक चीज बोली थी कि जुलाई लास्ट में लगभग आपका DPPST हो सकता है, उससे 8-10 दिन पहले आप मान लो कि आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो लगभग आप मान लो कि 20 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन उसी के बाद तुरंत से फाइनल आंसर किया गया, तो कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जैसे आज ही रिजल्ट आने वाला है। भाई चीजें जिस तरीके से काम कर रही है, आप ऐसे समझो कि जिस दिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सेम उसी दिन नोटिस आ जा रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी। तो इन्फॉर्मेशन सही है, तभी तो आप सभी के लिए वो सारी चीजें हो रही हैं। अगर नहीं हो रही होती तो उससे कोई लेना देना होता ही नहीं। अभी यहाँ पे रिसेंटली ये नोटिस आप सभी देख लो कि यहाँ पे 4 जुलाई का ये नोटिस है 2024 का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन छोड़कर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे विषय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक, प्रधान परिचालक यांत्रिक के कुल 2430 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत दिनांक 29/1/2024 से 8/2/2024 तक आयोजित की गई ऑनलाइन लिखित परीक्षा के DPPST हेतु और अभ्यर्थियों की DPPST कराए जाने के संबंध में, दलों का गठन करने के संबंध में। क्योंकि देखो, कुछ चीजें तो ऐसी भर्ती बोर्ड की है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट से ही चलती हैं, क्योंकि यहीं से DPPST होना है, यहीं से लोगों की ड्यूटी लगनी है, यहीं से लोग आगे जाएंगे और वही आपका काम करवाएंगे, तो वो सारी चीजें लगभग पता रहती है कि फिलहाल चल क्या रहा है, किसकी ड्यूटी लगी, कोई कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें लगभग उससे आइडिया रहता है कि कब तक ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक चीज सही से ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो DPPST हेतु दलों का गठन कराए जाने के संबंध में, तो अब यहाँ पे जो आपके DPPST के लिए जो ड्यूटी लगेंगी, उसके लिए यहाँ पे दलों का गठन करवाया जा रहा है, तो आप समझ लो इसमें 10-12-15 दिन आपके लगभग लग ही जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं एट ए टाइम, बिल्कुल उसी समय पे आपकी होनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृपया इस बोर्ड के समक्ष संख्या यहाँ पे दिनांक 18/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो समारोह में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक, प्रधान परिचालक यांत्रिक के कुल 2430 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों के निकट भविष्य में अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा कराए जाने हेतु, अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षा हेतु दल का गठन कराते हुए यहाँ पे बोला हुआ है संकलित सूचना उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे प्रश्न का, तो प्रकरण में यहाँ पे कठिनाई हो रही है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई किए जाने हेतु कठिनाई हो रही है, तो पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे कि आपसे निवेदन है कि यहाँ पे अति शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सके। यानी कि देखो, सीधी सी बात यह है कि जब ये पूरा यहाँ पे ये अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं DPPST के लिए, फिजिकल के लिए जो भी चीजें हैं, तरीके से यहाँ पे ड्यूटीज वगैरह लग जाएंगी, ये काम हो जाएगा कंप्लीट। उससे रिसेंटली मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा पहले ही रिजल्ट जारी होगा, आप समय के साथ पता चल जाएगा, बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, कहते हैं तर्क का अंत है लेकिन कुतर्क का नहीं। तो समय के साथ अब आपको ये चीजें समझ में आ भी रही होंगी कि आपके फाइनल आंसर क्या है, हुए 6 दिन हो चुके हैं, लगभग 6 से 7 दिन आप सभी के हो चुके हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे पहले ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, उसे थोड़ा पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो आप दो ही चीजें जो मैंने आप सभी को बताई थी कि आप ऐसे मान के चलोगे, देखो जुलाई लास्ट
ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए जो मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि डीबीपीएसटी जो आप सभी का होगा वो जुलाई लास्ट में होगा। तो आप इससे 10 दिन पहले मैक्स टू मैक्स लगभग मान लो कि लगभग, अब थोड़ा पहले आ जाए या थोड़ा बाद में वो एक अलग एक्सेप्शन चीज है, क्योंकि भर्ती बोर्ड में मैं तो बैठा नहीं हूँ कि मैं ही रिजल्ट जारी करूंगा, लेकिन लगभग इतना पहले आप ये मान लो कि आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 जुलाई के अप्रोक्स आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आ सकता है। अब इसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीजें हैं जो कि आप सभी के सामने हैं, नोटिस मैंने आप सभी को ऑफिशियल दिखा दिया है। तो अपनी जो भी तैयारी है फिजिकल की तैयारी वो पूरी करके रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि बढ़िया नौकरी है और ये चांस मिस कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई मिस करने के लिए तो मिल नहीं रही है, तैयारी करते रहो। और फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको विश्वास है तो कनेक्टेड रह सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिस पर विश्वास है आप उससे कनेक्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका एक एम होना चाहिए कि आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो कमेंट वगैरह में कुछ भी लिखते हैं मैं जानता हूँ उनके एफर्ट इसी चीज में लगते हैं, ना पढ़ाई में लगते हैं ना आगे की तैयारी में, उनका कोई काम ही नहीं है, उन्हें सिर्फ यही सब चीज करनी है और पूरी जिंदगी यही करते रह जाएंगे। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं वो अपने फिजिकल पे फोकस करके रखो ताकि फिजिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।